नमस्कार सभी को, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने एक 10-11 साल की लड़की का चांद से बातचीत करने का वर्णन किया है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। प्रस्तुत पंक्तियों में लड़की चांद को कहती है कि आप भले ही गोल हो लेकिन तिरछे नजर आते हैं, आपके जो वस्त्र है वह पूरा आकाश है जो कि तारों से जड़ा हुआ है, कपड़े पहनकर आपका सिर्फ गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा ही दिखाई पड़ता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गौकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। प्रस्तुत पंक्तियों में लड़की कहती है कि आप भले ही आकाश को धारण किए हुए हैं लेकिन आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, हम भली भांति जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, यही कारण है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते और जब बढ़ना शुरू करते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, इस स्थिति में आप बिल्कुल भी आराम नहीं करते, आप तब तक घटते रहते कि जब तक आप बिल्कुल गोल न हो जाए, आपको घटने बढ़ने की जो बीमारी लग गई है वह ठीक ही नहीं हो पाती। धन्यवाद।